गाड़ी जिस तरीके से डैमेज हुई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना भयानक हुआ होगा। शीशा आगे से टोटली डैमेज हो चुका है, टोटली टूट चुका है और एयरबैग्स खुले हुए और यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि गाड़ी में एयरबैग्स खुले हुए हैं। सामने आप बाइक की हालत देख सकते हैं कि ये रॉयल इनफील्ड बाइक है, कितने बुरे तरीके से ये डैमेज हुई है। इस समय हम परेड में हैं और परेड में थोड़ी देर पहले इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये सामने जो आप रॉयल इनफील्ड देख रहे हैं बाइक, उसके साथ बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ कुछ 5-10 मिनट पहले और फ़िलहाल मौके पर पुलिस यहां पर पहुंची हुई है और जांच पड़ताल जो है वो कर रही है। हमारे साथ यहां पर ये सामने आप जो जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इनकी गाड़ी थी और इन्हीं को इस बाइक के द्वारा हिट किया गया। हमारे साथ यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। मुझे बताएं कि जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ आप यहीं पर थे? हम एसएसपी सर की गाड़ी इधर से आ रही थी, हम मम्मा को छोड़ने गए इधर से बख्शीनगर वाली तरफ, तो जब गए तब ठीक था। जब हम उनको बख्शीनगर छोड़ के आए तो हम एसएसपी सर की गाड़ी थी, हम उसके से पीछे पीछे आ रहे थे तो आगे देखा ये बाइक वाला बेचारा रोड पर गिरा हुआ, एक और इंजर्ड था वो भी रोड पर था, और जो इनकी जो क्रेटा गाड़ी है ये बेचारे साइड में पानी मांग रहे थे, फिर हमने पानी दिया, एयर बैग्स खुल गए हैं उनकी वजह से। जो गाड़ी वाले वो तो उनको इंजरी कम हुई है, बट जो दो इंजर्ड हैं वो एसएसपी सर ने अपनी गाड़ी में बिठा कर इमीडिएटली रेस्क्यू किया हॉस्पिटल की तरफ। बाइक पे तो मैम हमने डैमेज देखी है, जो डैमेज बिल्कुल गाड़ी डैमेज थी बाइक वाली, तो जो उसमें जो थी जो दो इंजर्ड थे वो रोड पे गिरे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई नेशनल हाईवे का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बट हमने नहीं देखा एक्सीडेंट। बाइक आई थी किस तरह से आ रही थी? ये परेड से बख्शीनगर की तरफ, और जो गाड़ी है वो बख्शीनगर से परेड की तरफ। अच्छा, बाइक की स्पीड ज़्यादा थी नहीं? ये देखी नहीं मैम, हम कैसे बता सकते हैं। अब जैसे प्रतीत जैसे ये एक्सीडेंट हुआ है उससे आप देख सकते हैं कितनी स्पीड होगी उनकी। हमने बाइक पे किसी को नहीं, रोड पे देखे टू इंजर्ड, वो एसएसपी सर ने अपनी जो उनकी मूवमेंट के साथ जो जिप्सी होती है उसमें इमीडिएटली रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा, क्योंकि एसएसपी सर की गाड़ी बिल्कुल ऑन द वे थी, उनके पीछे हमारी गाड़ी स्कूटी थी। वो तो आपके सामने देखा, उनको थोड़ी सी फर्स्ट एड की जरूरत है, इन्होंने जो चौकी इंचार्ज है उनको किया है। ये जो हमारे साथ व्यक्ति जुड़े थे, इन्होंने ये आई विटनेस हैं और इन्होंने आपको बताया कि गाड़ी जिस तरीके से डैमेज हुई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना भयानक हुआ होगा। शीशा आगे से टोटली डैमेज हो चुका है, टोटली टूट चुका है और एयरबैग्स खुले हुए और यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि गाड़ी में एयरबैग्स खुले हुए हैं। अगर ये एयरबैग्स नहीं खुले होते तो शायद जो इस गाड़ी में व्यक्ति ड्राइव कर रहे थे उनकी जान भी जा सकती थी। और सामने आप बाइक की हालत देख सकते हैं कि ये रॉयल इनफील्ड बाइक है, कितने बुरे तरीके से ये डैमेज हुई है। कुछ पार्ट्स इसके जो हैं वो सड़क पर भी पड़े हुए हैं। शीशे आप देख सकते हैं कि गाड़ी की और बाइक की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मेजर एक्सीडेंट है वो हुआ होगा। सामने आप देख सकते हैं कि हेलमेट भी पड़ी हुई है जो पर्सन ये रॉयल इनफील्ड ड्राइव कर रहा था। अभी यहाँ से पुलिस द्वारा गाड़ी को और बाइक को शिफ्ट किया जा रहा है और ट्रैफिक प्रॉपरली मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद ही रहेगी कि लोगों से भी यही गुजारिश रहेगी कि जब आप सड़क पर ड्राइव करते हैं, चाहे वो टू व्हीलर पर हो चाहे वो फोर व्हीलर पर हो, अपनी स्पीड का ज़रा ख्याल रखा करें आप। अभी हेलमेट, जैसे कि आपने देखी कि बाइक के पास हेलमेट पड़ी हुई थी, तो हेलमेट की वजह से बचाव जो है वो हो गया है। जैसे कि उस आई विटनेस ने कहा कि अभी फ़िलहाल जो ड्राइव कर रहे थे बाइक को, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, इंजर्ड हुए हैं काफ़ी बुरे तरीके से। और जो गाड़ी में व्यक्ति थे, आप सामने देख सकते हैं कि दोनों एयरबैग्स खुले हुए हैं, तो यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना बुरे तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ होगा।